नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा पुखराज रत्न। कौन कौन सी चार ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें बनाता है करोड़पति, कौन कौन सी राशियों का राजयोग बनाता है, साथ ही साथ में पुखराज रत्न किन परिस्थितियों में धारण किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें पुखराज रत्न लाभ करता है। साथियों, हमारी ज्योतिष में शनिदेव दुख के और बृहस्पति देव सुख के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी भी कारणवश योग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करने की विधि, इसके लाभ, इसकी पहचान, किस देश का पुखराज सबसे अच्छा होता है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के जीवन में सुख का अभाव है, संपत्ति पैसा होते हुए भी जीवन में असंतुलन बना हुआ है, उन्हें पुखराज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। साथियों, मति भ्रम होने पर, डिसीजन पावर के बेहद कमज़ोर होने पर, वैवाहिक जीवन में अस्त व्यस्त होने पर और जीवन में सुख की कमी होने पर पुखराज पहनना चाहिए। अब चर्चा कर लेते हैं उन चार राशियों के बारे में जिनका पुखराज राजयोग बनाता है। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि एवं लगन वाले जातकों को पुखराज जो है भाग्य रत्न होता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें घर के और 12वें घर के स्वामी होते हैं। पुखराज पहनने से आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, सरकारी नौकरी का योग बनेगा, आपका भाग्योदय होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पुखराज समस्त प्रकार से आपको लाभ करेगा। मेष लगन एवं मेष राशि वाले जातकों को अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति के अति बाल्य, अति वृद्ध अवस्था में होने पर, पीड़ित अवस्था में होने पर, कमजोर होने पर आपको पुखराज पहनना चाहिए। नंबर दो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि एवं लगन से देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें घर के स्वामी होते हैं, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होने से जो सारे लाभ मेष राशि वालों को मिलेंगे, वही सब लाभ आपको मिलेंगे। एक्स्ट्रा आपको ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों से छुटकारा दिलाएगा पुखराज रत्न। तीसरी राशि है धनु। धनु राशि से 1 और 4 स्थान के स्वामी होते हैं बृहस्पति, आपको स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ प्रेम संबंधों में सफलता, वाहन और भूमि प्राप्ति के योग बनाएगा पुखराज रत्न। चौथी राशि है मीन राशि। साथियों, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी भी बृहस्पति हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से खास तौर पर आपका धन प्राप्ति का योग बहुत बड़े स्तर पर बनेगा। तो चार राशियां थी, बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा पुखराज इस दुनिया में श्रीलंका से आता है, सिलोन से। बैंकॉक का पुखराज ज़्यादातर ट्रीटमेंट वाला होता है, सफ़ेद को पीला करते हैं, और अन्य देशों से भी पुखराज आता है, लेकिन सबसे अच्छा नीलम और पुखराज वेरीफाई ऑफ कोरोंडम, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, नो ट्रीटमेंट पुखराज श्रीलंका का आप पहनेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। पुखराज बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक कोई भी टाइम पुखराज को पंचामृत की अंगूठी में डुबो करके मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम बम बृहस्पतये नमः। यह मंत्र को 5 से 7 मिनट जाप करके पुखराज को तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण कर लेना चाहिए। पुखराज पहनने के बाद आपको पीला भोजन बनाकर ज़रूरतमंदों को अवश्य दान करना चाहिए, या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के, नवग्रह मंदिर में जाकर के पीले भोजन का, खासकर मीठा भोजन आपको वहाँ पर दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका रत्न एक्टिव हो जाता है। कामना करता हूँ पुखराज के विषय में जो जानकारी आपको दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।